हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल संजीव शिवानी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है गाइज हमारे अनदर फूड चैलेंज ब्लॉग में। और आज का फूड चैलेंज बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है। तो अभी हम लोग के सामने रखी हुई ये नूडल्स, बट अभी ये नॉर्मल सी नूडल्स है, अभी आपको बिल्कुल सिंपल दिख रही होगी। लेकिन अभी उसको इतना खतरनाक गाइज ये बनाएंगी कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो उसे खतरनाक बनाने के लिए ना इसमें पहले जाएगा उसमें चिली सॉस। तो ये रेड चिली सॉस है और ये गया। और ये इतना खतरनाक आज चैलेंज बना देंगी। और ये नूडल्स पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, आपको बता दें, क्योंकि थोड़ी बहुत टेस्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, इससे हम लोग को पता है। और अब का ये सबसे खतरनाक चीज़ ये चिली पाउडर, चिली मतलब एकदम कान से धुआं निकालने वाला आज चैलेंज है। बहुत खतरनाक चैलेंज होने वाला है आज। और पूरा अच्छे से कवर अप करना है मिर्ची से। आप सोच सकते हैं आप लोग ये कितना भयंकर डिश तैयार हो रही है। Yes, और ये हम लोग को फिनिश करनी है आज, और वो भी टाइमर हिसाब से। टाइमर नहीं रहेगा आज, टाइमर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर टाइमर रहेगा तो फिर आपके में ज़्यादा नहीं डाली, ठीक है, पहले कम निकाली थी। जो आप ही कहते हो नहीं, मेरे में ज़्यादा मिर्ची पड़ी है। तो आज का चैलेंज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। हमारी स्पाइसी नूडल्स जो है वो आप ऐसे देख सकते हो, पूरी रेड रेड ऊपर दिख जाएगी, रेड चिली सॉस विद रेड चिली पाउडर, एंड वो नूडल्स पहले से स्पाइसी है। स्पाइसी नहीं, इसको स्पाइसीएस्ट बोलेंगे। yes. वो नूडल बन के रेडी हो चुके हैं, तो पहले इसको ना मिक्सअप कर लेते हैं खाने से पहले, नहीं तो एकदम से खाएंगे तो फिर तो आफत होने वाली है। बहुत ज़्यादा गाइस मिर्ची लगने वाली है आज। तो ये नूडल्स को मिक्स करने के बाद भी ना ये ऐसी खतरनाक नूडल्स लग रही है, रेड नूडल्स लग रही है। लग करेंगे आज, जो भी हुआ है आपके सामने हुआ, आप लोग सोच सकते हैं इसमें रेड चिली सॉस मिलाया गया, ऊपर से चिली पाउडर मिलाया गया, और ऑलरेडी ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी, तो अब इसका स्पाइसी का लेवल कितना बढ़ चुका हुआ आप लोग समझ सकते हैं आज। तीन गुना ज़्यादा स्पाइसी हो चुकी है ये, क्योंकि मैंने रेड चिली सॉस भर भर के डाला है और पाउडर भी साथ में। तो आज का इंट्रो इसलिए लंबा हो रहा है ना कि हम लोग खाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, इतनी ज़्यादा स्पाइसी है, इसलिए इंट्रो इतना ज़्यादा लंबा जा रहा है, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। तो गाइस आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, तभी आपको वीडियो में मज़ा आएगा। और इस चिली खाने के लिए ना एक लाइक बनता है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अपना चैलेंज शुरू करते हैं। और मेरे से इतनी बुरी लग रही है इनको, क्योंकि दोनों ने सेम ही खाया।
मैं चिकन जो है मुँह जल रहा है ना अभी तक, वो लिप्स जल रहे हैं। जैसा स्पाइसी लगा था जो ज्यादा होठों में बहुत तेज मिर्ची लग रही है। आप पॉपकॉर्न खा जाए कुछ भी, आप स्पाइसी खाते होंगे तो आप समझ सकते होंगे। पापा जी मैंने पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे आपके पॉपकॉर्न आप ओके सॉरी ओके नहीं खाएंगे। तो यहाँ बगल में हम लोग इला बैठी हुई है वो अपने पॉपकॉर्न खा रही है। सर जो आप लोग सुन सकते हैं उसके साथ हो रही है नाइंसाफी, मुझे कड़वा लग रहा है तो मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ, उसके पॉपकॉर्न छीन के खा रही हैं। कोई बात नहीं बेटा तुम अपने खाओ ओके। तो अब बारी है पनिशमेंट की, बताइए मुझे पनिशमेंट। तो आज की पनिशमेंट में तो आज मैं लूंगी ट्रुथ, तो पूछिएगा। तो आज उन्होंने तो बोला अभी को आज ये बिल्कुल सच बोलने हैं। तो आज का गाइस पनिशमेंट सबसे ज़्यादा यूनिक है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन आप सब समझ सकते हैं हमारी लाइफ का एक बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। और उस पर लोग क्या है कि हर किसी का अपना होता है अलग अलग से क्या सर्च करते क्या नहीं कर सकते। आज तो आज का जो पनिशमेंट है उसी से रिलेटेड है। तो गाइस आज मेरा पहला क्वेश्चन इनसे ये है, तो लास्ट फाइव सर्च बताएंगे आज ये गूगल पे लास्ट फाइव में क्या क्या सर्च किया है, फाइव चीज़ें बताएंगे आज उसके बारे में। हाँ तो बताएं, ये आपकी निजी जिंदगी का एक हिस्सा है। कोई भी अपनी गूगल सर्च नहीं बताएगा। बताओ क्या मतलब बताओ, अब तुमने तुरंत लिया है सच बोलेंगे तो बताओ बताओ। गूगल सर्च नहीं बता सकते। नो बिग बिग नो इट्स प्राइवेट थिंग, प्राइवेट है। तो भाई इन्होंने एक चीज से तो इनकार कर दिया, मतलब डिनाई कर दिया है कि लास्ट फाइव इन्होंने जो भी सर्च किया है वो नहीं बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब ये मैंने छोड़ दिया। अब एक क्वेश्चन मैं अपना पर्सनल पूछता हूँ जो मेरे से रिलेटेड है। चलिए बताइए कि लास्ट लास्ट मतलब आप लोग आगे समझ सकते हैं सपने देखते होंगे तो हम उसी को पूछते हैं। तो लास्ट टाइम मुझे सपने में कब देखा था, तो लास्ट टाइम मुझे सपने में कब देखा था और क्या कर रहे थे हम लोग बताएं गाइस। आप लोगों के लिए ये थोड़ा अटपटा सा हो रहा हुआ बताएं। अटपटा नहीं, ये समझ लो इनका दिमाग कैसा है। मेरा दिमाग कैसा है आप लोग समझ चुके हूँ। तो आज अब ये बताएंगे, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट नाइट ही सब हीरो आप ही बोलना, आप बोलना पहले, मम्मा बोले फिर आप बोलना ठीक है। दादा टूट जाने की जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट नाइट ही सपने में देखा, उसमें सब थे आप भी थे और कर क्या रहे थे हम लोग, बारिश में नहा रहे थे। वो था ऐसा कि हम लोग गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, बारिश हो रही है और गाड़ी के अंदर बैठे बैठे हम भीग रहे हैं। बहुत सही गाड़ी लॉजिक इनका समझ सकते हैं। बहुत भयंकर जोर से वाली बारिश है, थोड़ा एकदम काला काला सब अंधेरा सा हो जाता है, वैसी वाली बारिश, भयंकर बारिश। तो हम लोग किसी होटल में गए और शादी है किसी की, ये देखा है मैंने। और तो हम लोग उसमें बारिश में नहा रहे हैं, मजा आ रही थी तो मैंने को भी बाहर खींच लिया नहाने के लिए, ये कर लेते हैं। सही है गाइस, बारिश में नहाना मुझे और वैसे भी बहुत पसंद है। पता नहीं क्या मेरे माइंड में चला था जब मैंने लास्ट ही देखा। सबको हेलो करो, हेलो करो। अच्छा अच्छा, अभी ईरा से क्वेश्चन करते हैं। ईरा आपको हेयर कट करवाना है? अरे अच्छा चोटी करवा लो। क्यों? मतलब ईरा को गाइस अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जीनी होती है। ईरा को सबसे ज्यादा चिढ़ है कि बस उसके कोई हेयर्स ना छुए, अगर उसके हेयर में कॉम करना है। अभी देख सकते हो इसके हेयर्स कितने ज्यादा बड़े बड़े हो गए, देखो ये कितने बड़े लड़की ने, इसने बहुत दिन से बाल नहीं कटवाए अपने, और ना वो कटवाती है और ना वो चोटी करवाती है। अभी इसके हेयर सब बहुत सही कंडीशन में, नहीं तो ऐसे भूत बन के घूमती है ये। कोई बात नहीं, प्यारा सा बच्चा है मेरा। ओके तो यहाँ देखो मैंने अपना आंसर बहुत ही सच्चे मन से दिया है क्योंकि बिल्कुल सच है। ओके चलिए भाई, हम पॉपकॉर्न चोर कौन है, हम इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। है बेटा सही बात, ये झूठ नहीं है, मैंने सच्ची सच्ची बताया, सच सच बताया। मैंने आज मैंने सुबह सुबह ये सपना देखा था, देखा क्योंकि आजकल मैंने काफी शादियां देख रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे शादी में जाने को तो मिलता नहीं है, कई शादियां थी मैं नहीं जा पाई इनकी वजह से। और पता है अब ये अकेले जा रहे हैं घूमने,
शादी में ईरू ही अकेले जा रहे हैं, ये दावत खाने जा रहे हैं। ईरू को तो हम यहीं पे दावत खिलाते हैं मेरा बच्चा। ईरू ही अकेले जा रहे हैं दावत खाने, ये नहीं जाएंगे। अरे ये जा रहे हैं। नहीं जा, जा रहे हैं। हाँ ये जा रहे हैं। सबको हेलो गाइस करो। हेलो गाइस। हाँ बहुत दिन बाद आप आए हो कैमरे पे। बहुत दिन में कैमरे में। ओके तो हम लोग का तो ही चलते रहेगा, हम लोग अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन बाय बाय। बाय बाय बाय। यू ने भी बाय कर दिया। अच्छा बोलो, सी यू गाइस लेटर। सी यू गाइस लेटर।